हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिकेत कौशिक। हमारे यूट्यूब चैनल वन गोल इनफ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है करियर डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। ये इंस्टीट्यूट अम्बाला कैंट के अंदर है। ये आपका एक बोर्डिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको यहाँ पे हॉस्टल, फूड और स्कूल और कोचिंग, ये चारों चीजें आपको यहीं पे ही प्रोवाइड करता है एक बहुत ही मिनिमल सी फीस के अंदर। हमारा जो बैच है वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और इसका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 1 मार्च से शुरू हो रहे हैं। आप जो भी विलिंग पेरेंट्स हो वो आकर एंट्रेंस टेस्ट दिलवा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स रहेंगी तो जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको ही यहाँ पे रखा जाएगा और आगे तैयारी कराई जाएगी बहुत अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे आपका RIMC है, RMS है, सैनिक स्कूल है, आर्मी स्कूल दक्षय है, ओ ग्रुप स्कूल है, गुरुकुल है, और राय स्पोर्ट्स स्कूल है आपका, जिसको मोतीलाल नेहरू स्कूल है राय के अंदर। फिर आपका इसी तरह CHS है, AMU है, इस तरह के तमाम स्कूल्स के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाता है। यहीं पर ही हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर ही रहकर बच्चे पढ़ते हैं, जो उनका पूरा स्केड्यूल 24 आवर्स तक का स्केड्यूल आपका पूरी तरह बिजी स्केड्यूल रहता है ताकि वो इस तरह के एग्जाम्स को क्रैक कर सके और उनको हम लायक बना सके अपनी लाइफ के अंदर कुछ इंडिपेंडेंट कुछ करने के लिए। आपको किसी भी तरह कोई डाउट हो एडमिशन से रिलेटेड तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9671861500। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। अगर आप एडमिशन के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप एडमिशन के लिए इसको व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा। तो अभी जो ये मैंने वीडियो बनाई है वो बनाई है CHS के बारे में। देखिए, CHS आज का स्कूल नहीं है, बहुत पुराना स्कूल है। उस स्कूल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इतना नहीं उसके बारे में पता, तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर ये CHS का आपने फॉर्म निकला है। मैंने आपको बता देता हूँ, फॉर्म निकल चुका है उसका, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके फॉर्म भरने की मैं वीडियो बना चुका हूँ सारे प्रोसीजर की, आपको वो जानने के लिए ऊपर आई बटन को क्लिक करना है। आई बटन को क्लिक करते ही आपको सारी की सारी उस वीडियो को देखकर, ऊपर आई बटन को क्लिक करके जो वीडियो आएगी उस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि अप्लाई कैसे करना है। तो आइए अब जानते हैं CHS स्कूल के बारे में कि ये स्कूल क्या है, इसका क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो है CHS की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर उनके अपने बारे में बताया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ द स्कूल्स, यानी ये स्कूल है क्या चीज आप देख सकते हैं। ये जो है ये हिंदू सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो आपका पहले एनी बेसेंट आप सबको पता है, जो हमारे आजादी के मुहिम के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाया उन्होंने, जो उस टाइम में हमारी कांग्रेस थी, उस कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस टाइम में। तो आपका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डॉक्टर एनी बेसेंट ने ही इसको शुरू किया था। BHU को शुरू करने के पीछे भी उन्हीं का हाथ रहा और CHS उस टाइम में इसको CHC बोलते थे, सेंट्रल हिंदू स्कूल को उन्होंने शुरू किया था। आप देखिए आज का नहीं है ये, 1898 का बना हुआ है, 1898। आप देख लीजिए कितने साल हो चुके हैं इसको बने हुए को, लगभग 122 साल हो चुके हैं इस स्कूल को। जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है वो क्वाइड नहीं है, यानी को एजुकेशन नहीं है। बॉयज के लिए एक अलग स्कूल बनाया है इन्होंने और गर्ल्स के लिए एक अलग स्कूल बनाया हुआ है। द सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल आर हाउस्ड इन, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अलग अलग इनकी बिल्डिंग है। कहाँ पे है ये वाराणसी के अंदर है आपका स्कूल, वाराणसी सिटी के अंदर आपका स्कूल पड़ता है। एफिलेटेड है ये स्कूल CBSE से, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी CBSE से एफिलेटेड है दिल्ली। These schools have a glorious history of providing excellent education. आपको पता होना चाहिए स्ट्रीम कौन कौन सी ऑफर करता है। ये ऑफर करता है आर्ट्स, कॉमर्स, होम साइंस, साइंस एंड एग्रीकल्चर। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस, क्योंकि देखिए जिस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है आपको पता है वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत, मैंने आपको बताया एक समय में उसको एजुकेशन का गढ़ माना जाता था हमारे इंडिया की। तो बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज वो ऑफर करता है बच्चों को, जहां से बच्चे वर्ल्ड वाइड बच्चे इस यूनिवर्सिटी में आके पढ़ते हैं, जो है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी को जाना ही उसी नाम से जाता है। तो देख लेते हैं आर्ट्स, कॉमर्स, होम साइंस, साइंस एंड एग्रीकल्चर स्ट्रीम, ये सब ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी इसकी भरमार है इस स्कूल के अंदर, टू एंश्योर ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। आगे देखेंगे बोथ स्कूल्स हैव वेल इक्विप्ड लैबोरेटरी, बहुत बड़ी चीज है। देखिए हम क्या करते हैं, हमारा कंट्री का एजुकेशन सिस्टम ऐसा जो मार्क्स के पीछे भागता रहता है, हम भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हम पढ़ क्यों रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ताकि हम एक प्रैक्टिकल अपना फॉर्मेट बना सके, अपने आप को प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली जो चीज आप आज सीखोगे आपको उसको आगे जाकर अप्लाई करना है, तभी आप एक अच्छे
प्रोडक्ट बन पाओगे मार्केट में लॉन्च होने के लिए। तो इसलिए उसके लिए सबसे बड़ी चीज रहती है लेबोरेटरीज। तो ये वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज आपको प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग आपकी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम के थ्रू वहां पे कराई जाती है। इसके एडिशन में ये आपको एनसीसी भी प्रोवाइड करता है, जो आपको आर्मी में जाने में बहुत हेल्प करेगी। आपको पता है स्कूल लेवल पर आप लोग ए सर्टिफिकेट ले सकते हो, कॉलेज लेवल पर आपको बी और सी सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप लोगों को ए सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है तीनों ही विंग के, दो विंग्स के अंदर, सॉरी, आर्मी एंड एयर विंग के अंदर, क्योंकि नेवी विंग जो होता है वो मैक्सिमम कोस्टल एरिया वाले शहरों में ही पाया जाता है। तो आर्मी और एयर विंग दोनों में ही आपको एनसीसी ट्रेनिंग, गर्ल्स के लिए सिर्फ आर्मी विंग है और बॉयज के लिए आर्मी और एयर दोनों ही विंग है। बींग अ पार्ट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल एंजॉयज मैनी फैसिलिटीज दैट आर अवेलेबल टू द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। बहुत से हम देखते हैं जो यूनिवर्सिटी या कैंपस है उसके अंदर जो बने, आपको पता है यूनिवर्सिटी के अंदर जो चीजें बनी होती है वो स्कूल लेवल पर देनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये आपका यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर वो सारी फैसिलिटी स्कूल वाले अवेल कर सकते हैं। बोथ स्कूल्स हैव ऑल्सो द फैसिलिटीज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर की भी एजुकेशन की रहती है इसके अंदर। तो ये था कुछ स्कूल के बारे में, कुछ बेसिक सी बातें। अब मैं आपको बता देता हूँ स्कूल के पास कितनी कितनी सीट्स हैं। इसका जैसे मैंने बताया था, फॉर्मर जो है इनके पहले इनका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, अब इसका नाम हो चुका है सेंट्रल हिंदू स्कूल। फिर स्कूल टाइप मैंने आपको बताया है, को एजुकेशन नहीं है, दो अलग अलग बिल्डिंग्स में चलता है। मोटो जो है इसका वो है नॉलेज इज वाइटेलिटी। ये एस्टेब्लिश हुआ था, मैंने आपको बताया, 1898 के अंदर डॉक्टर एनी बेसेंट ने इसको एस्टेब्लिश किया था। और अब देख लेते हैं टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि देखिए अगर बहुत सारे बच्चे ले लिए और टीचर्स अवेल नहीं हो पा रहे उतने, एम्बल टीचर्स नहीं है, तो दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है बॉयज स्कूल के अंदर वो 100 से 110, ये मैं टीचिंग स्टाफ की बात कर रहा हूँ, हेल्पिंग स्टाफ नहीं है ये, टीचिंग स्टाफ है 100 से 110 बॉयज स्कूल में, और 60 से 70 है गर्ल्स स्कूल के अंदर। आपका मेल फीमेल दोनों ही मिक्स रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल टीचर है या सिर्फ फीमेल टीचर है। एज आपको पता है इसकी 18 साल से छोटा बच्चा, मतलब 18 साल तक का बच्चा प्लस टू में अप्लाई कर सकता है, बाकी उससे छोटे छोटे के हैं वो मैं आपको ऊपर जो वीडियो आपको बनाई थी मैंने दिखाई थी, उस वीडियो के अंदर मैंने सारी एज की क्राइटेरिया समझाया है। अब देख लेते हैं बच्चे कितने हैं। बॉयज स्कूल के अंदर 2000 बच्चा पढ़ता है, कोई छोटा स्कूल नहीं है ये, बॉयज के अंदर 2000 बच्चा है और गर्ल्स के अंदर 1700 की स्ट्रेंथ है। आगे देख लेते हैं क्लासेस ऑफर्ड, ये आपको 6 to 12 सारी क्लासेस ऑफर करता है, लेकिन एडमिशन सिर्फ 6, 9th और 11th के अंदर ही एडमिशन लेता है। यानी 5th का बच्चा 6th में जा सकता है, और इसी तरह 8th का बच्चा 9th में जा सकता है, और इसी तरह 10th करके बच्चा +1 में जा सकता है। मीडियम जो देता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, बायलिंगुअल रहते हैं ये। लैंग्वेजेस यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी, ये तीन लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। आर्ट्स इन स्कूल डेज, स्कूल के अंदर कितने टाइम तक की क्लासेस लगती है आपकी, 6 घंटे तक की क्लासेस रहती है। टोटल क्लासरूम है इनके पास 101 क्लासरूम है, और कैंपस का साइज आपने सुने होंगे बहुत कैंपस, अब आप देख लीजिए कितना बड़ा कैंपस है। इतने बड़े कैंपस में एक बीटेक कॉलेज बन जाता है, 70 एकड़ का कैंपस है इनके पास, 70 एकड़ कैंपस में स्कूल चला रहे हैं। फिर देखें आपका इनका, मैंने बताया CHS इनका रहेगा, और पब्लिकेशन यानी ये किसके अंदर चलता है, चलता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रेस, और जो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। तो ये आपका क्या है, ये एक बहुत फेमस स्कूल है, आज का स्कूल नहीं है। आप लोग जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, जितने भी आपके पास रास्ते हैं, उन सब में ट्राई करना चाहिए। देखिए है ना, ऐसा नहीं है सिर्फ RMS या RIMC के अंदर या सैनिक स्कूल के अंदर ही मैं बच्चों को भेजूंगा, और भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। बोर्डिंग स्कूल का सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है, मैं खुद एक बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। बोर्डिंग स्कूल आपको जो डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है वो आप नॉन बोर्डिंग स्कूल या घर के एनवायरमेंट में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, और विदाउट डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में खड़े नहीं हो पाएंगे। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, रतन टाटा जो है वो भी एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हुए हैं, बिशप कॉटन स्कूल के अंदर रतन टाटा पढ़े हुए हैं। आप बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं या कोई भी ऐसे लोग हैं, उन सबके एग्जाम्पल उठा लीजिए जो महान बने, उन सब ने ही बोर्डिंग स्कूल से एजुकेशन ली थी। बिशप कॉटन स्कूल से ही आपके एक बहुत फेमस आपके राइटर रहे हैं, वो भी पढ़े हुए हैं, कोई अगर जानता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन है, बिशप कॉटन स्कूल के एलुमनी रहे हैं। इसके अलावा आपको जो बड़ी चीज क्या है, आप उनका एग्जाम्पल ले लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प भी एक मिलिट्री बेस स्कूल से पढ़े हुए हैं। बिकॉज आपको अगर लाइफ में इंडिपेंडेंट होना है तो उसके लिए आपको बचपन से ही डिसिप्लिन सीखना होगा, और डिसिप्लिन सीखने के लिए आपको अपने जो कंफर्ट जोन होता है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये आपके जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं वो आपको उसी कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा CHS की क्या वैल्यू है, किस रैंक पर खड़ा है ये। BHU को तो देखिए पूरी दुनिया ही जानती है,
तो इस तरह के स्कूल के साथ जुड़ के आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। एक ऐसे यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ आप जुड़ रहे हो जो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है, इंटरनेशनल लेवल के बच्चे वहां पढ़ने आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पर्सनली बहुत आपको क्या दे सकता है, एक वाइड वेराइटी ऑफ एक्सपोजर दे सकता है, और एक्सपोजर आपकी लाइफ को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।